पूछेंगे। ये चेक मतलब तबीयत खराब होता है ना किसी का, तो वो चेक करने के लिए होता है। तो मेरा वीडियो था फोटो। आप बोल। ये भी आपका ठीक है ब्लड प्रेशर। पीछे बैठूँ यहाँ, मैं बैठती है भाई, यहाँ मैम बैठेगी, पीछे आ जा, पीछे बैठूंगा। आ जा भाई, अबे तू इधर ही बैठेगा क्या? इधर देवंग का आता भाई। आज बन्नी का चेक मैंने लिया है, गिली मिले अभी केले का कोई नहीं। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम। फिर से आ गया स्लम में, आज तीसरा दिन है मतलब इधर का, अभी और भी 3 से 3 दिन हो गया मतलब, तो अभी भी है 12 दिन अभी इधर और आना पड़ेगा, अभी वही आज वही काम करना पड़ेगा। तो जाते हैं, किधर जाना था मेरे को, ऐसा स्लम है ना भैंस की आँख। अरे बच्चे लोग इधर बैठे हैं, जाते हैं फिर वही काम करना पड़ेगा, और क्या ही बोलूँ मैं। अभी हम जा रहे हैं वाइटल्स चेक करने के लिए। मैं उस दिन इसके उस साइड खड़ा था, लोकेशन मिला था ना, पीछे चले गए थे मतलब, थोड़ा सा भूल भाल हो गया था लोकेशन में हमारे। तो बेसिकली हमारे को चेक करना है अभी बॉडी का टेम्परेचर, बीपी, पल्स, उसके लिए जा रहे हैं सामान लाने के लिए। सामान मतलब वही इक्विपमेंट सुबह वो सब लाने जा रहे अभी हम सब, क्योंकि चेक करना है पेशेंट का नहीं, फैमिली मेम्बर का चेक करना है, वही लाने जा रहे अभी हम। पता चले गए सामने से मैम मिल गया, मैम को बोल देंगे आ जाओ आपका चेक कर लेते, थोड़ा सा सब बैठा है यहाँ पे देखियो। तो अभी बोला 11:30, एक घंटा और, अभी 11:30 और, पता है 1 घंटा और करना पड़ेगा अभी, फिर खत्म। भाड़ू भी इधर ही मिल जाएगा शायद, बस हो जाइए फटाफट ये फालतू वाले चीजें। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग बोल रहा है मेरे को। मिला डॉक्टर का निशानी, लेकिन हमारा निशानी ये नहीं है। बेटा देख रहे हो थर्मोमीटर, टेम्परेचर, बीपी, और हम पता नहीं कौन हम भैंस के, ऐसा गली गली असलम में पता ही नहीं चल रहा कि रास्ता है या नहीं है, तो है ना। जा रहे अभी बीपी चेक करना है, इससे टेम्परेचर और पल्स वगैरह चेक करना है। एक बंदा है हमारे फैमिली का मतलब जो मैंने पकड़ा, उधर से चेक करना है। किधर गया भाड़ू? 31 नंबर हाउस बोला था उसने, अंदर आके असलम के अंदर में। घर के बाहर लिखा कौन, घर का नंबर मैं बाहर निकले देखता हूँ, रुकता हूँ। ये शौचालय है पापा, इधर भी एक शौचालय है, यूज कर सकते हैं। अरे करना है क्या, उसको बोलो ना, उसको बोलो ना कि थोड़ा सा इधर आ जाने के लिए। चल तो एक चेक करने के लिए कितना फालतू में परेशान होना पड़ रहा बता तो। हेलो छोटू, बच्चे को चेक कर सकता हूँ क्या? बच्चा तो ठीक ठाक ही होगा। एक काम करा, तू लोगों को चेक कर लेता हूँ मैं। बीपी ऑपरेटर, इस भैंस की आँख कैसी ना? मोटरसाइकिल में चले गए थे तो मैंने नहीं, मोटरसाइकिल नहीं होता गया डिलीवरी करने। हाय, इंजेक्शन लेना है? नहीं, हिंदी बूस्टर वाला, सब इकट्ठा हो गया, काम पे गए हैं। चलो फिर मर्द को क्यों, औरत भी हो सकता है ना, इसको भी करेगा। मैं एक बात बोलूं, वो उन लोगों को कर दो अच्छा होगा, उस आंटी को सिर्फ बीपी चेक करो, थोड़ा इतना शोर शराबा है, इतना कुछ बात करी तुम लोग। इधर ही आ जाओ, बीपी चेक करना है। इधर चेयर लगा के बैठ जाओ ना, औरत का बोले करवाएगा वो लोग। डोंट टेक टेंशन अबे, आई एम हियर, वो लोग गाल में मक्खी घुस गया मेरा। ईश, कोई देखी ना है मोनो वो लोग? हां राजकिरण भी लेके हाथ मुझे दे दे। हां आप एक चेयर लेके बैठ जाओ, जिंदगी आती है आपको, आप बैठ जाओ, कुछ नहीं करना है।
इंजेक्शन भी नहीं डालना, बस चेक करना है आपको। तो बैठ जाओ आप। अब बैठ जाओ। ये करवाएंगे तो? हाँ करवाएंगे सर। लड़के से कराए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? पहले भी पीछे पहले क्या करते हैं? टेम्परेचर चेक कर ले। पहले टेम्परेचर। वो थर्मामीटर डालना है। फिर उन्हें बाहर फोन पे धोते हो? ये खुद डाल लेंगे। ना कुंडल स्पीकर। मौसी ना बीपी तो धोते हो? फोटो किसने से लूँ? मेरे फोन से लूँ? फोटो मेरे फोन से लेती हो? और कुछ? अब बैठ जाओ, बैठ जाओ। बैठ जाओ। इधर साइड में। साइड हो जाओ। इसको अंदर रख लो बगल में। बहुत पुराने जमाने का बीपी है। पुराना जमाना पाम खुला। अभी ऐसे बीपी और नहीं चलता। ऐसा बीपी देखा हमने मुड़े मुड़े हुए। ये चेक मतलब तबीयत खराब होता है ना किसी का, तो वो चेक करने के लिए होता है। कैसा होता है? बुखार, फीवर। तो उसी के लिए बुखार के लिए। हाँ, बुखार के लिए। बुखार चेक करने के लिए होता है। एक्टर नीचे पोट ठीक हो? आपको कोई बुखार नहीं है? ওই তোর ফোনে আছে। এই সরি ফোনে বলছি, ওইখানেই তো আছে, ঘড়িতেই আছে। ওই হাতে ভাবেশ ইজি হোগা ও হাত। ওকে ওকে তুই ভিডিও করছিস? ভিডিও এটাই ভিডিও তে ফটো। আর বলছিস এ করবি ওই যেন বলে? হ্যাঁ রেসপিরেশন না, ওকে যদি কেউ কিছু বলে মানে ঘরে নুন ভাত খা। সেই ঠিক আছে সর বাতা দে। আসি अभी बीपी चेक करेंगे आपका, ठीक है? बीपी ज्यादा जरूर है इसलिए पकड़ ठीक है। ये भी आपका ठीक है? ब्लड प्रेशर कितना बोल दे? इसको समझ आएगा? नॉर्मल है, नॉर्मल मतलब अच्छा है। मेरा हाल भी जागे पसीने से टपक रहा है नीचे। इधर से चलो फिर कर लेंगे। थैंक यू आंटी। थैंक यू आंटी इन्हें कोऑपरेट करने के लिए। मेरा हाल देखिए कितना हो गया पस। पता है मुझे। ये ले पोछ। मैं पोछ पहले बहुत भूत लग रहा। पोछ। मैं कर दो। पता है मुझे तो इतना पसंद है क्यों हो रहा? मेरा होता है कुछ ना जो भी होता है। तो मुझे पता है। ये तो फटा देगा।
वो छोटे फाटा ही छिलो तो नहीं बाय पहले बाय कर लिया चेक ये अब जाकर जिसका भी ऑफिस देना पड़ेगा आज का भी पोस्टिंग खत्म हम चले हैं बस के अंदर अभी आज ये बहन मेरे साथ था पता नहीं क्यों ये बहुत बड़ा मैं इसको बीपी नहीं दिया मैंने बीपी अपैरेटस दिया देख कैसा ऐसा बंदे पता डिस्टिंक्शन आते हैं अभी मैंने कितना वीक होता है पता नहीं ये बोला 5 होता है मैंने कुछ बोला ही नहीं क्योंकि बीपी काम नहीं कर रहा था हमारे आज इससे इसने बोला इसका खुद का बीपी कितना है वो बोल दिया और ऊपर से अभी टीचर भी इनके साथ बहुत फिदा हो गया अरे सब्सक्राइब करने लगा फैन हो गया अपने बहुत फैन हो गया लेकिन हवा नहीं आ रहा है क्या करे यार फैन खराब है बस में फिर वहां से ऑफलाइन क्लास होगा ऑनलाइन क्लास होगा आज का ऑनलाइन होगा आज श्योर ऐसा बोला इसने बोल दिया अब हो गया मेरा जो इसका दोस्त है दोनों एक ही सीधे पहनते हैं ये मत डाल दे ये भी डालू डालू जा नहीं बैक टू द कॉलेज अभी जा तो रहे लेकिन फिर वापस आना पड़ेगा मतलब 2 बजे कम्युनिटी बैग लेने के लिए मतलब अभी लंच का ऐसे 1 बजे पहुंच गए टाइम पे ही आना पड़ेगा फिर से 1 बजे बैग वैग लेने के लिए आज भी ऐसे ऑनलाइन ही क्लास है आज भी ऑनलाइन क्लास कल भी ऑनलाइन क्लास और फिर शायद नेक्स्ट वीक से ऑफलाइन क्लास स्टार्ट होगा शायद से तो जाएंगे लंच वंच करके फिर कॉलेज आना पड़ेगा 2 बजे और वही बैग वैग लेंगे और निकलते बस यहाँ से भी पार्किंग में आ चुका हूँ मैं अपने ये अपना स्कूटी बहुत दिन हो गए इसको साफ अप कराने आस पास भी ऐसा माहौल कॉलेज तो गया नहीं था मैं आज मतलब कॉलेज जाना था कुछ काम से रिगार्डिंग हमारे जो पोस्टिंग चल रहा है ना उसके कुछ देना था मतलब बेसिकली कुछ बैग देना था तो कॉलेज में गया नहीं था सीधे जिम आ गया शाम को अभी और कोई गया नहीं था मतलब बहुत सारे कम था जो कॉलेज गया था लाइक और 2-4 लड़के गए थे जो भी लड़की एक्चुअली वो सब गए थे कॉलेज तो छोड़ जिम आ चुके फिर अपने जिम करना है और देखते हैं कितना टाइम लगता है आज आज थोड़ा कम टाइम लगना चाहिए जिम ओपन है अच्छी बात है जिम ओपन है करते फटाफट और करते फटाफट जिम ही करते हैं हाँ सब है जिम आज था शोल्डर का वर्कआउट तो मतलब मैं ना थोड़ा पैटर्न में चेंज कराऊँ मतलब जो पैटर्न पहले यूज करता था मैंने उसमें थोड़ा चेंजेस कराऊँ तो मतलब बहुत दिन बाद ऐसा होता ना फील करना उस मसल पे बहुत दिन बाद ऐसा होगा कि सेम मसल फील कर रहा हूँ जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली कोई नहीं अच्छा था और एक लड़का आया मेरे पे मतलब मेरे पास और मेरे साथ वर्कआउट मतलब उसको बेसिकली मेरे साथ वर्कआउट करना था तो बोलने करना थोड़ा अलग था लेकिन करना मेरे साथ ही था तो उसने मेरे साथ वर्कआउट करा और टाइम पे वर्कआउट खत्म हो गया मतलब सही टाइम पर खत्म हो गया इतना टाइम पर हो गया कि अब मैं जाऊँगा बाहर तो कुछ छोटा मोटा काम वो करके आराम से उन पर जा सकता हूँ मैं इतना टाइम पर खत्म हो गया और इतना मतलब शाम भी नहीं हुआ मतलब ठीक ठाक है स्कूटी का सामने लगा देता पार्किंग पे और मेरे स्कूटी पे कोई उधर बैठा है अभी जाऊंगा इसको हटाऊंगा और फिर यहाँ से सीधे रूम पे मिलते कल वाले व्लॉग में।